नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गया जिला प्रखंड अनुकुप्पा एवं मोहनपुर की जनता ने बताया कि महंगाई के कारण हम लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कैसे बच्चों की पढ़ाई करवाएं। आपको बता दें, कमला देवी, रामा वृक्ष मांझी, सविता देवी ने बताया कि महंगाई से तंग आकर हम लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही अन्य लोगों ने बताया कि वर्षा नहीं होने के कारण हमारी खेती भी नहीं हो पा रही है। फतेहपुर गया बिहार से संजय प्रसाद की खास रिपोर्ट। आप कि आप हर लेके कहाँ जा रहे हैं? बनवाने के लिए। बनवाने के लिए? किस लिए? किस लिए? खेत जोतने के लिए। खेत जोतने के लिए? क्या पानी हुई है? पानी नहीं है तो मतलब फिर भी तो पानी नहीं है तो मतलब किसी तरह से अपना जोत कोड़ के रखेंगे ना। अच्छा, महंगाई इतना बढ़ा हुआ है, चावल, गेहूं, दाल, इस सब पर आप क्या असर पड़ रहा है आप लोग को? असर तो इतने पड़ रहा है कि मतलब किन्ने नहीं पड़ता है आदमी। किन्ना नहीं पड़ता है? खरीदते नहीं है आप? किने कैसे किनवो करते हैं। किनवो कैसे मिल रहा है चावल? चावल अभी अभी तो 25 के 25 रुपये किलो मिल रहा है। और का दाल ऐसे तो महंगाई है से आप लोग खाइए रहे हैं। कैसे चावल कैसे मिल रहा है यहाँ? 25 के आप कैसे मिल रहा है? 25 रुपये मिल रहा है। पुलिस वाला 30 के। पुलिस वाला 30 रुपये? क्या नाम हुआ आपका? सोनवा देवी। बोले नाम बोला। सोनवा देवी। सोनवा देवी जी, आप ये बता सकते हैं कि महंगाई के जमाने में आप किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे होंगे? कर रहा है उसी, बहुत तकलीफ कर रहा है, काम बेसी करके खिला रहा है, बाल बच्चा पोस रहा है, आपका काम मजूरी करके कर रहे हैं। दवा का घर खेती पानी पर वो है ये नहीं, खेती नहीं कहाँ से उपजेगा। महंगाई का क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर? बहुत असर पड़ रहा है। क्या असर हुआ? मुझे सरकार दिए ना रहा है तो पड़ेगा नहीं। बाल बच्चे इतना हो गया है कि हम लोग खरीद नहीं पा रहे। खरीद नहीं पा रहे? 40 रुपये किलो चावल हो गया, आटा 30 रुपये किलो हो गया, तेल 200 रुपये किलो हो गया, सब्जी तो महंगाई है, सब्जी वगैरह सब महंगाई है। आलू 20 रुपये है, दाल 100 रुपये है, हमें जाना है। आलू तो घर मकान बच्चे का कैसे बोले आइए न रहा है, बाहर में काम करे जाते हैं, हमारे बंदे बोला है पाने होता है, सब कमाए खाते न खाए। अब क्या कहे? क्या नाम हुआ आपका? चपाकल दिया ने, गली दिया हमको, नाम है रामबीरिश। मार गया तो उन्हें ले झाड़ू यार। या ओकरा 40 रुपये किलो चावर है तो कितना बाल बच्चा खिए तब कितना पालते, ढेला पर के भात है होले कैसे, होले तो कैसे अभी आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? और जीवन जब इसी तरह से 200-400-500-1000 रुपये जीवन कट रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। ललिता जी, चलिए आपको 200-400 रुपया आपको मिल रहा है, उससे आपको जीवन यापन कर रहे हैं, और बाल बच्चे क्या करते हैं? बाल बच्चा अभी छोटा छोटा थी तो बाल बच्चा का करो, ओकरन तो अभी हम ही ओकनी के पाल रहे हैं। छोटा छोटा बाल बच्चा इतना गो है तो सबको पालिए ना, अभी रही सब कमाई लेखा थी, कमाई जीता थी। क्या यहाँ का मुखिया या सरपंच या वार्ड सदस्य क्या कर रही है आप लोग को? अब क्या कर रहे थे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कहूँ पर ही नहीं देखते थे, कुछ नहीं कर रहे। नाली है, गली है, कुछ भी नहीं है, नल जल फाल कुछ नहीं। जान के हमने ध्यान के देखा। सरकार इतनी महंगाई कर दी है तो महंगाई के अवसर पर आपको क्या कहना है, क्या असर पड़ क्या रहा है? महंगाई से दुनिया भर कैले है ये। महंगाई कितना है? 40 रुपये गेहूँ। हाँ। 25 रुपये चावल। हाँ। साग सब्जी सब इतने महंगा, नून तेल इतने महंगा, आदमी कैसे जिए? तो आपका बाल आदमी तो मर रहे इसी। आप अपना बाल बच्चा को कैसे पाल रहे हैं? कैसे पाल रहे हैं? कैसे पाल रहे हैं?
महंगाई उतने हैं तो कैसे पाली। नाम क्या हुआ आपका? मेरा कमली देवी। हम कमली देवी।